मूवी को देखने के बाद मेरा मन कर रहा था कि जाऊं और हे गाइस व्हाट इज अप, मैं बताऊंगा आपको कि मूवी रात अकेली है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है वो वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं और क्या है मूवी के अंदर अच्छा और बुरा। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना। बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है ठाकुर रघुबीर सिंह के मर्डर से, जिनकी शादी के जस्ट दूसरी शादी के जस्ट 2-3 घंटे के बाद उनका मर्डर हो जाता है और उस मर्डर के केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका मूवी के अंदर नाम है जतिन यादव, और उनकी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बीच में आते हैं MLA और उनके खुद के डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स। तो मूवी में आगे बस यही है कि कैसे वो इस केस को सोल्व करेंगे। और मूवी में इंटरेस्ट डालने के लिए एक मूवी के स्टार्ट में ही एक मर्डर होता है 2 लोगों का। अब वो कौन है, वो क्यों उनको मारा है, वो सब हमको मूवी में आगे पता चलता है। तो बात करते हैं मूवी में क्या अच्छा था और क्या बुरा। सबसे पहले बात करते हैं मूवी में क्या अच्छा था। तो मूवी में था सबसे अच्छा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इन्होंने ले लिया। मतलब ये मूवी अगर चलेगी ना तो उनके फैंस की वजह से ही चलेगी, जैसे कि मैं भी उनकी वजह से ही इस मूवी को देखने गया था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, वो मैं आगे बताऊंगा कि मैं क्यों हूँ। मूवी के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काम बहुत अच्छा है। उनको मतलब जैसा डायरेक्टर ने बोला और वैसा उन्होंने किया और वो कैरेक्टर में पूरा घुस गए थे एक इंस्पेक्टर के। और बाकी के एक्टर्स का काम भी ठीक ठाक है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है मूवी की कि मूवी को काफ़ी रियलिस्टिक दिखाया है। मतलब कहीं लगता ही नहीं है कि इनके आसपास कैमरा है और ये मूवी की शूटिंग हो रही है, जो कि बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं मूवी में क्या बुरा था। और मुझे जो सबसे बुरा लगा है वो ये है कि मूवी का जो जॉनरा है वो है सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री का, और मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ना वो इतना स्लो है। मूवी है 2.5 घंटे की और इतनी अच्छी कास्ट होने के बाद भी मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा ही स्लो है। और अगर आपको मूवी देखनी है और शॉर्ट टाइम में देखनी है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि मूवी का जाके आधा घंटा देख लो लास्ट का। पूरी मूवी आपको लास्ट के आधे घंटे में पता चल जाएगी। आगे के जो 2 घंटे ना वो आप छोड़ भी दोगे ना तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आगे क्या हुआ। और मूवी की दूसरी बात मेरे को ये बुरी लगती है कि मूवी में जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, उनकी इमेज ऐसी बताई है कि उनकी शादी नहीं हो रही है बहुत टाइम से, वो काले हैं और वो रीज़न देते हैं कि उनको चाहिए एक चरित्रवान लड़की जो कि संस्कारी हो, भली एवरेज लुकिंग हो। पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है ना, तो वो ऐसी लड़की से प्यार करते हैं जो कि एक ही घर में 2 लोगों के साथ। और मुझे हंसी वहाँ आती है जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको चाहिए थी चरित्रवान लड़की, वो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं पर वो लड़की उनको मना कर देती है। मतलब आप देख रहे हो एक वो, मतलब उस लड़के का भी ये कहना है कि मैं हूँ बाजार, वो कहती कि मैं बाजार हूँ पर फिर भी उसके भी कुछ सिद्धांत थे। ये देख के लगता है कि यार डायरेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब है, बिगड़ गया है। और सबसे मेन बात मेरे को ये लगा है कि मूवी का जो डायरेक्टर था ना, वो मूवी को एंड करना भूल गया। तो जैसे कि 2 घंटे हो गए, उनको पता चला कि मूवी 2 घंटे की हो गई, फिर उन्होंने मूवी के आधे घंटे में पूरी मूवी खत्म कर दी। और जैसा कि मैंने बोला, आप जाके आधा घंटा भी देख लोगे तो आपको पूरी मूवी समझ में आ जाएगी और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आगे क्या हुआ है मूवी के अंदर। और मूवी का टाइटल रात अकेली है, ये क्यों रखा है, क्या हुआ है, क्या सीन था इसका, कुछ भी हमको समझ में नहीं आता क्योंकि मूवी है 2.5 घंटे की और ये जो टाइटल है ये कहीं पर भी उसको जस्टिफाई नहीं करता। बस ऐसा है कि हाँ भाई रात को मर्डर हुआ तो रात अकेली है, मतलब कुछ भी। तो ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हो, उनकी एक्टिंग और उनकी क्लास को जानते हो, तो आप इस मूवी को देखने जा सकते हो जैसे कि मैं गया बस उनकी एक्टिंग को एंजॉय करने। बाकी मैं बात करूं मेरे ऑनेस्ट रिव्यू की, तो अगर आपके पास कुछ और अच्छा देखने को तो आप देख सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप एक बार देख सकते हो, 1 time watch तो है ये मूवी। और मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6 out of 10 stars, वो भी बस नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए। तो यार मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट तब करना जब आप इस मूवी को देख के आ जाओ, और फिर आप कमेंट करना कि आप मेरी बातों से कितना एग्री हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई, प्लीज यार मेरे भी वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए प्लीज भाई, मैं भाई से मत के बोल रहा हूँ दोस्तों।